जैसे कि आप देख रहे हो पिछले एक डेढ़ साल से चंदूपुर काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है। अगर हम टूरिस्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक महीने पहले की, अगर हम सोचे थे कैंपिंग करना आउटसाइड जाके चंदूपुर एरिया में, चंदूपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्सी वाला काम रहता था, सोलो कैंपिंग करना जैसे कि मैं चाहता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। और पॉसिबल था तो बहुत ज्यादा रिक्सी था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते थे। और सोलो तो भाई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि जंगलों में अकेला जाना अच्छा लगता है लेकिन डर भी ज़्यादा लगता है, तो ये सब पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी सीन कुछ चेंज हो चुके हैं ये महीने से, 1 नवंबर 2020 से, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। और ताड़ोबा और मोहली की जंगल में, इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ताड़ोबा और मोहली की जंगल में जाकर हम कैंपिंग करें, नाइट स्टे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्सी वाला काम होता था कि यहाँ पर जानवर वगैरह कोई देखने वाला नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते थे, तो ये सब पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी 1 नवंबर 2020 से ये सब पॉसिबल है। यहाँ पर जाके कैंपिंग, बोटिंग, ट्रेल, मचाल स्टे एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर सकते हो। तो सबसे टोटल 17 एडवेंचर एक्टिविटी आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, काफ़ी अच्छा। और चंदूपुर में इससे पहले ये कहीं पे नहीं था और अभी भी नहीं है। चंदूपुर एरिया के ही बहुत ज़्यादा पास है, आप जाके यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हो और कैंपिंग वगैरह बहुत कुछ कर सकते हो। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाला है, पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा और पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो हम जाएंगे यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जगह कहाँ है, कहाँ पर जाके हम कर सकते हैं कैंपिंग, और कहाँ का एड्रेस है, क्या कुछ किससे मिलना है, किससे बात करना है, कितने पैसे है, प्राइस क्या है। का भाई अभी जा रहा है और जाके वहाँ पे जो यहाँ पे करता रहता है मैनेजर है उनसे बात करेंगे और उनको वीडियो में लेंगे और उनसे डिटेल पूछेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा और आपको अगर जाना तो आप जा सकते हो। और मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ पे कैंपिंग वगैरह अवेलेबल, तो मुझे तो कैंपिंग करना था, बहुत सालों से करना था, बहुत इच्छा थी, तो मैं भी करना चाहता हूँ, बट अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही है, तो 1-2 हफ्ता मेरे डिले हो जाएंगे। 1-2 हफ्ते बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे कैंपिंग करूँगा और उसके भी क्या सीन है, उसमें सीन होंगे नाइट कैंपिंग के वगैरह सब कुछ आपको वीडियो में बताऊँगा, चैनल में दिख जाएगा मेरे जरिए, मैं दिखाऊंगा आपको मेरे तरीके से। तो क्या करना है, बस सब्सक्राइब करके रख देना। तो चले चलते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं और ये कैंपिंग एरिया है जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो, नाइट कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। और इसी के सामने है एडवेंचर एक्टिविटी पार्क जहाँ पर आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हो, बहुत ज्यादा फन कर सकते हो। मैं आपको वीडियो में आखिर दिखा दूंगा उस। तो ये हमारे सर है, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ चंद्रपुर एडवेंचर ऑर्गेनाइजेशन, तो इनसे कुछ सवाल हम पूछ लेते हैं। आगरजरी ताड़ोबा एडवेंचर कैंप करके हमने इसका नाम रखा हुआ है, ये स्पेशली आगरजरी गांव में होने की वजह से, और ताड़ोबा इसलिए कि ये कैंप साइट जो है ये ताड़ोबा के अंडर में आती है, इसलिए ताड़ोबा करके हमने इसका नाम दिया, ताड़ोबा आगरजरी एडवेंचर कैंप करके। तो यहाँ पे एक 16-17 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ है एडवेंचर की, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो जिप लाइन करके जो एक्टिविटीज़ बनी हुई है, बहुत सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये एक्टिविटी यहाँ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं है। और दूसरा एक ये है कि यहाँ पे एक 40 फीट का एक आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग वॉल, जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं नहीं है। इस यहाँ सेफ्टी जोन में एक्टिविटी होती है, 16 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ है जो आप लोग फुल एंजॉय कर सकते हो, हर चीज़ का हेलमेट, हारनेस, सेफ्टी रोप्स, कैराबिनर्स, हेलमेट से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक्टिविटीज़ करते वक्त, रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन करते वक्त आपको पहनाई जाएगी, फिर आप एक्टिविटीज़ एंजॉय कर पाओगे। मतलब जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ जोन बोलेंगे हम लोग, ये फर्स्ट टाइम चंद्रपुर में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। पूरा पैकेज लेते 300 रुपीज़, उसमें टोटल 15-16 एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं बच्चे, जिसमें राइफल शूटिंग है, आर्चरी है, वर्मा ब्रिज है। आगरजरी कैंप साइट के बाजू में एक आगरजरी का टेंट कैंपिंग है, जहाँ आप हर टेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 3 शेयरिंग बेसिस पे हम लोग ये देते हैं। वहाँ पे वॉशरूम्स है, टेंट्स लगे हुए हैं, और जो भी मतलब यहाँ पे सेफ्टी वॉल दी है वहाँ पे आपको देखा जाएगा तो आपको उसमें सोलर फेंसिंग वगैरह हो चुका है, मतलब कोई वाइल्ड एनिमल का डर नहीं है। जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि जंगल के बाजू में होने की वजह से फूड अलग से लेना पड़ेगा, हाँ हमको फूड जो रहेगा वो कैंप साइड में मिलेगा आपको अवेलेबल, पर फूड लेते वक्त आपको ये रहेगा कि हम लोकल जो फूड होता है वो रहेगा आपके रिक्वायरमेंट पे। जैसे आपने बोला कि हमको चाइनीज़ वगैरह कुछ खाना है या वो चीज़ें नहीं हो पाएगी, वो नॉर्मल जो हम लोग घर पे खाते हैं वो फूड सब। तो डायोरामा करके एक ताड़ोबा ने स्टार्ट किया है, वहाँ पे कुछ एनिमल्स के डमीज रखे हुए हैं। करना चाहते हो तो यहाँ पे आगरजरी ने नेचर ट्रेल बनाया है, जो बहुत मतलब एक 5-7 किलोमीटर का नेचर ट्रेल है, जंगल के अंदर से आपको पैदल घुमाया जाएगा। उसमें आपने पगमास वॉचिंग करना है, पगमास मतलब टाइगर्स, हम लोग को प्रेजेंस कैसा रहता है, टाइगर्स कैसे मूव करते हैं, वाइल्ड एनिमल मूव कैसे करते हैं, पानी के पास में पगमास मिलेंगे आपको देखने के लिए, कुछ आगरजरी लेक करके वो आपको वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे एंगेज रह पाओगे, इतनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे। सर बुकिंग करना है तो कैसे करेंगे अभी? यहाँ पे बुकिंग करना है तो ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन कैसे करना है? ऑनलाइन ताड़ोबा ORG.com के आप उस पर आप कर सकते हो। ऑफलाइन करनी है तो आप
कैंप सेट पे भी आ सकते हो, कोई नंबर आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं आप।